2008 से कृषि रोड मैप बिहार में जारी हुआ है। तीन कृषि रोड मैप का, तीसरा का लगभग समय समाप्त होने वाला और चौथा कृषि रोड मैप आने वाला है। लेकिन देश के परिप्रेक्ष्य में बिहार के किसानों की आय अगर देखी जाए तो सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि 28वें नंबर पर बिहार के किसान आय के मामले में हैं। यह कौन सा बिहार में किसानों की आय बहुत कम है और आज इसको लेकर सदन के अंदर जो है वो सवाल उठाया जाएगा। देखिए, किसानों का मामला जो है वो आज बिहार के सदन में, यानी कि बिहार विधानसभा का जब बजट सत्र चल रहा है और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने आज कार्य स्थगन लाया है कि किसानों की आय जो है वो 27वें नंबर पर है। बिहार में कृषि रोड मैप जो है वो लागू होने जा रहा है। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप इस बार जो है सदन में लागू हुआ और अब ऐसे में जो तीसरा जो कृषि रोड मैप था उसमें किसानों के लिए हित में क्या कुछ काम हुआ, इन तमाम तरह की बातों को लेकर आज फिर से बिहार विधानसभा के अंदर जो है किसानों के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो कार्यस्थगन देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता को तो बात सही है, लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के विधायक भी लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर सदन में और नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसानों के मुद्दे पर घेरेगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के विधायक। 2008 से कृषि रोड मैप बिहार में जारी हुआ है। तीन कृषि रोड मैप का, तीसरा का लगभग समय समाप्त होने वाला और चौथा कृषि रोड मैप आने वाला है। लेकिन देश के परिप्रेक्ष्य में बिहार के किसानों की आय अगर देखी जाए तो सरकार ने विधानसभा में स्वीकार किया है कि 28वें नंबर पर बिहार के किसान आय के मामले में हैं। यह कौन सा कृषि रोड मैप जारी कर रहे हैं किसानों की आय समृद्ध हो रही है। देश में बिहार पहला राज्य है जो कृषि रोड मैप जारी कर रहा है और एक तरफ किसान कंगाल हो रहे हैं, अधिकारी और बिचौलिए मालामाल हो रहे हैं और 28वें नंबर पर देश में किसानों की आय है, देश के परिप्रेक्ष्य में हम जाने और यह स्वीकार सरकार ने भी बिहार विधानसभा में किया। इसलिए इस बार हम लोग कार्य स्थगन लाए हैं कि जो किसान का चौथा रोड मैप जारी होना जा रहा है या तीन रोड मैप जो जारी हुआ, इसकी इतना बदतर हालत क्यों हुई, किसानों की आय दिनों दिन घट क्यों रही है, किसानों को लाभ क्यों नहीं हो रहा है, बिचौलिए अधिकारी लूट रहे हैं, मालामाल हो रहे हैं, इसी पर हम लोगों ने आज कार्य स्थगन लाया है।